हमारे साथ बातचीत करने राष्ट्र प्रवक्ता उदित राज जी मौजूद हैं। तो सर, अनुराग ठाकुर ने अभी बयान दिया है कि कल के जो नतीजे हैं उसको देखते हुए कांग्रेस का दोबारा से एक बार सूपड़ा साफ होता दिख रहा है, कैसे देखते हैं? देखिए, जरूर हम कमज़ोर हुए हैं और यह भी है कि केंद्र में जिसकी सत्ता होती, नॉर्थ ईस्ट राज्यों में उसी की सरकारें होती हैं, लेकिन कमी फिर भी हमारे पास संसाधन की कमी है। दूसरा, हम इलेक्शन मशीन नहीं हो पाते, जाति धर्म का समीकरण भी हम नहीं बना पाते हैं, तो कुछ कमियां हमारी भी हैं। लेकिन यह सभी देख रहे हैं कि कितना ज़्यादा दुष्प्रचार करते हैं, नरेटिव बिल्डअप करते हैं, धन का दुरुपयोग करते हैं। ईवीएम भी है, इलेक्शन जो कमीशन है इनके साथ में है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा जजमेंट दिया कि इलेक्शन कमीशन के जो सदस्य होंगे या कमिश्नर होंगे उनका चुनाव प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और विपक्ष का नेता मिलकर करेंगे। इससे लगता है कि कुछ संतुलन बन पाएगा। वहीं पर कर्नाटक में भी एक विधायक के जो बेटे हैं उनके पास 40 लाख रुपए और उनके घर से 6 करोड़ रुपए बरामद भी है, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कुछ नहीं है, आई वास है। येदुरप्पा के खिलाफ 1000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है और अमित शाह जी ने खुद कहा था महाभ्रष्ट। अब अमित शाह जी खुद ही उन्हीं के साथ खड़े पड़े हुए हैं। ये सब लीपापोती है, दिखाने के लिए है, बाकी इसमें कुछ है नहीं। रेड्डी ब्रदर्स ने पूरे कर्नाटक को लूट दिया, येदुरप्पा ने पूरे कर्नाटक को लूट लिया, उनके साथ में तो ये खड़े पड़े हुए हैं। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो कांग्रेस डॉक्टर उदित राज जी, कैमरा पर्सन विशाल के साथ।